अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज अपने फार्म हाउस पे चक्कर लगाने के लिए आया हूँ, तो ग्रीनरी देख के बहुत दिल खुश हुआ। यह सिट्रस का जो बाग था, आपको पहले भी दिखाया था, ये वो बाग है और वो सामने अपना डेरा है और देखें मस्त माहौल है, बहुत मज़े का माहौल है। ये चारा भी लगाया हुआ उन्होंने, लगता है अभी ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है आज ही। रास्ते में कीचड़ बहुत था, बहुत खुशगवार माहौल है इस वक्त, मतलब कि मज़ा आ रहा है जी। ये जी हम चलते जा रहे हैं फार्म हाउस की जानिब। माशाल्लाह से दरख्त काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और मतलब बहुत बड़े हो गए, बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से थे जब हमने लगाए थे, तकरीबन 5 साल हो गए हैं। ये तो बहुत घने हो गए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कैसे मोटे मोटे तने बन गए। परिंदों की आवाजें, देखें जी कितना प्यारा सा परिंदा है, छोटा सा बर्ड है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, कुछ रेयर टाइप ही होगी। और ये हमारे यहाँ पे अनार के पौधे पे दरख्त पे बैठा हुआ है, ये कुछ कैटरपिलर्स लग रही हैं, कैटरपिलर्स टाइप ही हैं। इस जंगल में रहती हैं, ये जी ज़मीन है DHA के लिए, DHA की मलकियत है इस वक्त और तकरीबन एकड़ों में है, 2 एकड़ ये है, कोई 3-4 एकड़ ये है, मुख्तलिफ पैचेज इन्होंने ख़रीदे हुए हैं। ये पहली भी बेच दी हुई है मालिकों ने DHA को और देख सकते हैं अब वीरान हो गई है। एक ज़माने में हमारे तसव्वुर भाई जो ना इसके अंदर अपना जूता घुमा बैठे थे खोबे के अंदर, खोबे का मतलब आप समझते हैं, असल में वो था गोबर, ऊपर से खुश्क था अंदर से गीला था और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि सुखा ही है, चलो अंदर बढ़ जाने हैं, उत्तों लंघ जाने हैं, तो तसव्वुर भाई जड़े ना फिर वो खोबे च वड़ गए। तो आज भी जो ना हम जब याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है, एक फ़नी सीन था हमारे लिए। ये अभी नहीं बिकी किसी की ज़मीन है, यहाँ पे जो है ना DHA ख़रीदता जा रहा है, ख़रीदता जा रहा है, ख़रीदता जा रहा है। ये जी हमारी ज़मीन, डेरा, फार्म, इस साइड पे तकरीबन सारी बहुत मशहूर लोगों की ज़मीनें हैं। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले
ये आसमा जहांगीर का फार्म हाउस था और इधर ही दफन है वो। ये देखें, ये अपनी ज़मीन पर कुछ नहीं करने देते DHA वाले, इसलिए वीरान पड़ी हुई है, वरना कुछ ना कुछ काश्तकारी चल रही होती है अगर किसी की मलकियत में ज़मीन होती है, लेकिन DHA की ज़मीन पर काश्तकारी नहीं होती। काफ़ी देर बाद इधर चक्कर लगाया है, कुछ अभी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, इस वजह से जंगल बना हुआ है और पौधे भी कुछ ख़राब हो गए हैं, स्प्रे वगैरह नहीं की तो कुछ कीड़े वगैरह उन्हें पड़ गए हैं। तो अब कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ कुछ इसकी मेंटेनेंस जो है ना स्टार्ट की जाए, तो माली को लेके आते हैं और इनको प्रॉपर तरह सेटअप करते हैं। जो दरख्त लगे हुए हैं कुछ नए भी लगाते हैं, सोच रहा था कि सब्जियां चलो घर की होनी चाहिए, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है तो कहीं और, इतनी सारी ज़मीन है तो इजीली हो सकता है मैनेज, घर की सब्जियां हो सकती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा और देखभाल करनी पड़ेगी। तो कुछ सोचते हैं इस बारे में ताकि सर्दियों के अंदर सब्जियाँ हमें रेगुलर मिलें। सब्जियों के बारे में सोचते हैं जो सर्दियों की हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उनके लिए सीड्स लेके आते हैं। ओरिजिनली हमने ये जगह रखी हुई है सब्जियां लगाने के लिए, लेकिन देख सकते हैं अभी सिर्फ घास ही निकला है, काफ़ी बारिश हुई है और ये एक श्री का दरख्त है जो हमने छोटा सा लगाया था और अब प्रॉपर एक दरख्त बन चुका है। बैक साइड पे जो है ना DHA की ज़मीन है, ये भी DHA की ज़मीन है और हमारी लेफ़्ट साइड पे भी DHA की ज़मीन है। छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं येलो कलर के, अब ये नहीं पता कौन से लगे हैं, ये नाम वगैरह नहीं पता इनका, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ठीक है जी, आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रीन मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए वीडियो बना लेता हूँ कि आप लोगों को भी जो है ना देखने को मिल जाए। तो अनटिल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, मिलते हैं ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़।